लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद शहर काजी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में मुहर्रम कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र प्राचीन शाही बाड़ा एवं इमाम बाड़ा में होने वाली मुहर्रम कार्यक्रमों की विधिवत घोषणा शाही बाड़ा इमाम बाड़ा मुहर्रम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शहर काजी सैयद शाहनवाज अली द्वारा दी गई। फिरोजाबाद की संस्कृति से यही सीखना चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके शहर काजी शहनाज अली जी हैं, राजा अली जी हैं, दिलशाद अली भाई हैं और उमर फारूकी तमाम लोग हैं, इनका उठना बैठना काफ़ी हिंदू भाइयों के साथ है, सभी लोगों धर्मों के साथ है और पूरी तरीके से ये एक दूसरे के हर त्यौहार थी त्यौहार में और कार्यक्रम में एक दूसरे के शरीक होते हैं। यही सबसे बड़ी एकता की प्रतीक है और यहाँ के जो एकता की प्रतीक है इसके दूसरे जिलों के लोगों को यहाँ से सीख लेनी चाहिए किस तरीके से दोनों आपस में धर्मों के लोग किस तरीके से आप लोगों में एक दूसरे शरीक होते हैं। सबसे बड़ा भव्य ताजिया शाही बड़ा इमामबाड़ा परिसर में 5:30 बजे ज़्यारत को रखा जाएगा, जहां कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शहर काजी सैयद शाहनवाज अली, अध्यक्ष सैयद मुसर्रत अली द्वारा ताजिए पर प्रथम सेहरा पेश किया जाएगा तथा ज़्यारत का क्रम शुरू होगा, जिसमें बेशुमार अकीदतमंदों को आवाजाही रहेगी। 9 तारीख के इस कार्यक्रम के लगभग 8 बजे कमेटी की ओर से कौमी एकता सद्भावना की प्रतीक सरकारी सेहरा फूलों का सेहरा ताजी पर पेश किया जाएगा, जो कि प्रशासन के आला अधिकारियों के गणमान्य व संभ्रांत लोगों व कमेटी के अहदेदारान की मौजूदगी में शहर काजी द्वारा पेश किया जाएगा तथा मुल्क की खुशहाली तरक्की अमन अमान आपसी भाईचारे के लिए दुआ की जाएगी। वहीं रात्रि लगभग 2:30 बजे शिया समुदाय शाही बड़ा इमाम बाड़े में मातम होगा, ताजी की ज़ियारत की जाएगी तथा 4 बजे 9 तारीख आखिरी मजलिस का आयोजन होगा। देखिए, आज मुहर्रम की 3 तारीख है, पूरे शहर में मुहर्रम प्रोग्रामों का आगाज़ हो चुका है। जगह जगह मजलिस मसाल में न्याज नजर न्याज और तबर्रुक का तकसीमात का प्रोग्राम चल रहा है, लिहाजा ऐसे सिलसिले में ये आज शाही बड़ा इमाम बाड़ा शहर काजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें शाही बड़ा इमाम बाड़ा में होने वाले प्रोग्रामों की हम ऐलान करेंगे, जो बदस्तूर हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि शाही बड़ा इमाम बाड़ा पूरे ज़िले में मुहर्रम प्रोग्रामों का एक मुख्य केंद्र है। और रही बात कौमी एकता की, तो हमारे मुहर्रम कार्यक्रमों का जो पूरा समापन है वो 10 सितंबर को हो जाएगा। वहीं हमारे हिंदू भाइयों का परम त्यौहार गणेश विसर्जन 12 सितंबर को होगा, लिहाजा हम सबका हिदायत और जिम्मेदारी है कौमी एकता की मिसाल को कायम करते हुए भाईचारा व गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दें। सभी प्रोग्राम अमन व अमान और खुशहाली के साथ अमन व अमान और सुकून के साथ करें। लिहाजा मैं मुहर्रम के प्रोग्राम की डिटेल बताऊँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये शाही बड़ा इमाम बाड़ा ज़िले भर में खासा महत्व रखता है अपने आप में, जो मुहर्रम का मुख्य केंद्र जैसे मैंने बताया, यहाँ तमाम हज़ारों की तादाद में ख्वातीन महिलाएं बुजुर्ग व बच्चों की भीड़ रहती है। शाही बड़ा इमाम बाड़ा में होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में शाम 5 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चलते हैं लगातार, जो 7वीं और 9वीं तारीख होती है, जिसका आयोजन सिर्फ शाही बड़ा इमाम बाड़ा में होता है, जहाँ मजलिस मसाल में तबर्रुकात तकसीमात और नजर न्याज का सिलसिला चांद देखने के साथ ही शुरू हो चुका है। इसी क्रम में इसी सिलसिले को शाही बड़ा इमाम बाड़ा में 4 तारीख को 4वीं ऐतिहासिक मजलिस का प्रोग्राम रात 8 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चलता है। मुहर्रम की 7वीं तारीख यानी कि 7 सितंबर बरोज हफ्ता शनिवार यानी को शाही बड़ा इमाम बाड़ा में शाम 5 बजे से ज़ायरीनों द्वारा मेहंदियाँ पेश की जाती हैं और शाही इमाम बाड़ा में मौजूद अष्ट धातुओं से निर्मित प्राचीन काल के अलमों की ज़ियारत की जाती है और खुदा से मन्नत मुरादें व दुआएं मांगी जाती हैं। ये सिलसिला देर रात्रि तक चलता है। सदर मोहतरम आप लाइट ले रहे हैं।